हेलो फ्रेंड्स, ये फंक्शन के ऊपर मेरा थर्ड ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग रिकर्सन के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिकर्सन का डेफिनेशन क्या होता है। रिकर्सन का डेफिनेशन है व्हेन ए फंक्शन कॉल्ड इटसेल्फ, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तब उसको हम लोग रिकर्सन कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिकर्सन होता है, रिकर्सन हम लोगों का जो डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब स्टैक डाटा स्ट्रक्चर फॉलो करके रिकर्सन का प्रोग्राम सॉल्व होता है। तो इस वीडियो में हम लोग एक रिकर्सन का प्रोग्राम सॉल्व करके देखेंगे, जितना हो सके सबसे सिंपलिस्ट तरीके से करने की हम लोग कोशिश करेंगे उस प्रोग्राम को, ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाए कि रिकर्सन का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। और मेरा जो क्वेश्चन होगा वो है फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर का जो प्रोग्राम है उसको हम लोग अब रिकर्शन में इंप्लीमेंट करेंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, मान लेता हूं कि यूजर ने एक नंबर दे दिया 5। 5 का फैक्टोरियल होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मतलब 120 हो गया मेरा 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है यूजर जो भी नंबर देगा उस नंबर से लेकर डिक्रीमेंट करते करते हम लोग 1 तक आएंगे। 1 का फैक्टोरियल होता है हम लोगों का 1। 0 का फैक्टोरियल होता है हम लोगों का 1। कोई भी नेगेटिव या फिर 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। क्लियर फ्रेंड, तो लिखना स्टार्ट करते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। पाइथन में फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने के लिए हम लोग को डेफ यूज करना पड़ता है, डेफ। उसके बाद फंक्शन नेम दे देता हूं फैक्ट। मैंने पहले ही बोला था जिस टाइप का प्रोग्राम होगा उस टाइप का अगर हम लोग फंक्शन नेम डालेंगे तो ज्यादा समझने में आसानी होगा। उसके बाद पैरामीटर लिस्ट, मतलब एक हम लोग पैरामीटर डालेंगे। यहां पर मैं 2 पैरामीटर डाल देता हूं, एक है मेरा एन, दूसरा है मेरा एस। मतलब n है मेरा नंबर, यूजर जो नंबर डालेगा वो है मेरा n, और s के अंदर मेरा फैक्टोरियल का जो रिजल्ट है वो आके स्टोर होगा s में। ओके, अब नेक्स्ट लाइन पे if, ये कंडीशन चेक करने के लिए if और else स्टेटमेंट यूज किया जाता है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो बाद में बनाकर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इफ और एल्स क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर देख लेते हैं, इफ एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। यहाँ पर अगर एन का वैल्यू एन यूजर देगा, एन का वैल्यू यूजर देगा 5 या 6 जो भी है वो यूजर डिफाइन है। एन का वैल्यू अगर 0 होगा तो रिटर्न हम लोग एस कर लेंगे। मैंने पहले पूरा लिख लेता हूं, उसके बाद मैं लास्ट में आप लोगों को समझा दूंगा। एल्स एस इक्वल टू एस इंटू एन, n इक्वल टू n माइनस 1, रिटर्न फैक्ट ब्रैकेट के अंदर n कॉमा s। अच्छा देखिए, ये हो गया मेरा पूरा फंक्शन फैक्ट के ऊपर। पूरा फंक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर लिख दिया। n का वैल्यू जो है वो यूजर देगा, मान के चलता हूं कि n का वैल्यू यूजर ने 5 दे दिया और s का वैल्यू यूजर ने इनिशियली 1 दे दिया। अब जब मैं इसके अंदर आऊंगा, n का वैल्यू तो मेरा 1 है, 1 इक्वल टू क्या 0 है, नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो हम लोग else में आएंगे। else में आने के बाद s इक्वल टू s इंटू n, s का वैल्यू मेरा 1 है और n का वैल्यू अभी मेरा 5 है, 5 × 1 मतलब s का वैल्यू हो गया मेरा 5। n इक्वल टू n माइनस 1, n का वैल्यू एक डिक्रीमेंट होकर हो गया मेरा 4। रिटर्न फैक्ट मतलब ये फंक्शन को कॉल करेगा, n का वैल्यू अभी 4 हो चुका है, 4 n पकड़ लेगा, s का वैल्यू मेरा 5 हो चुका है, s का वैल्यू अब ये 5 पकड़ लेगा। ये है रिकर्सन का मेन टेक्निक। एक फंक्शन के अंदर से उसी फंक्शन को फिर से हम लोग कॉल कर रहे हैं, मतलब वेन ए फंक्शन, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है उसको बोला जाता है रिकर्सन। इसके अंदर से फिर ये वाला फंक्शन मेरा कॉल हो गया, मतलब अब n का वैल्यू हो चुका है मेरा 4 और s का वैल्यू हो चुका है मेरा 5। जब मैं इसके अंदर आऊंगा 4 इक्वल टू क्या 0 है, नहीं है, तो else में आएंगे। s इक्वल टू s इंटू n, s का वैल्यू लास्ट टाइम 5 हो चुका था, 5 × 4 = 20 हो गया अब s का वैल्यू, और n का वैल्यू हो चुका है मेरा अभी 4 - 1 मतलब 3।
फिर से रिटर्न फैक्ट, फिर ये फंक्शन को कॉल करेगा, इनका वैल्यू 3 आ चुका है यहां पर और इसका वैल्यू मेरा 20 हो चुका है। अंदर आएंगे, 3 इक्वल टू 0 नहीं है, एल्स में जाएंगे, एस इक्वल टू एस इंटू एन, एस का वैल्यू मेरा 20 हो चुका है, 20 इंटू 3 मतलब 60 हो गया मेरा अभी एस का वैल्यू। उसके बाद एन इक्वल टू एन माइनस 1, एन का वैल्यू और एक डिक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा, फिर से रिटर्न फैक्ट मतलब फिर ये यहाँ पे कॉल करेगा, एन का वैल्यू अभी 2 हो चुका है, वो 2 ये वाला 2 पकड़ लेगा, एन एस का वैल्यू 60 हो चुका है तो ये हो गया इसका वैल्यू मेरा 60। अंदर आने के बाद 2 इक्वल टू क्या 0 है ना, कंडीशन फॉल्स, एस में आएंगे 60 इंटू 2 मतलब एस का वैल्यू हो गया मेरा 120, n इक्वल टू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 एन का वैल्यू हो गया मेरा मेरा 1। फिर से रिटर्न फैक्ट, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, आने के बाद एस का वैल्यू, n का वैल्यू अभी हो चुका है मेरा 1 और एस का वैल्यू मेरा हो चुका है 120। अंदर आएंगे 1 इक्वल टू 1, यहाँ पर मैं 0 भी दे सकता हूँ 1 भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों की मर्जी, आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 कर दिया, एन का वैल्यू 1 है, 1 इक्वल टू 1 यस कंडीशन ट्रू। अंदर आएंगे रिटर्न एस मतलब रिटर्न एस का मतलब है 120 को ये रिटर्न करेगा, मैंने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया तो इसका मतलब क्या है, जहां से कॉल होगा फिर से एस का वैल्यू वहीं पर पहुंच जाएगा। क्लियर, ये हो गया मेरा पूरा फंक्शन का बॉडी। अब मैं फंक्शन का जो कॉलिंग है वो कैसे लिखेंगे वो यहां पर मैं लिख के दिखाऊंगा। तो सबसे पहला काम है यूजर एक नंबर देगा, मान लेता हूं कि वो एन है, एन इक्वल टू इन इनपुट एंटर ए नंबर। क्लियर, यूजर ने यहां पर एक नंबर दे दिया और जो रिजल्ट है वो मेरा पी में आके स्टोर होगा, पी इक्वल टू फैक्ट ब्रैकेट के अंदर यूजर जो नंबर भेजेगा एन और कॉमा देके 1, क्योंकि इनिशियली एस का वैल्यू 1 होगा क्योंकि यहां पर एस मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं एस का वैल्यू 0 लूंगा तो 0 इंटू समथिंग मतलब हमेशा 0 ही हो जाएगा, इसीलिए एस का वैल्यू जो है वो हम लोग को 1 देना पड़ेगा। तो ये कॉलिंग फंक्शन है, मतलब ये कॉल हो रहा है, कॉल होने के बाद डायरेक्ट वो यहाँ पे चला जाएगा और ये पूरा फंक्शन खत्म होने के बाद कब खत्म होगा, जब एन का वैल्यू मेरा 1 होगा, 1 होने के बाद ये एस को रिटर्न करेगा और एस का जो फाइनल वैल्यू है वो कौन पकड़ लेगा, P पकड़ लेगा मैंने यहाँ पर, तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट है वो फाइनली P में आकर स्टोर हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, P को प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट ब्रैकेट के अंदर P लग दिया तो मेरा P प्रिंट हो गया, पूरा कहानी खत्म। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा, फाइल में जाएंगे, सेव, नाम दे देता हूं फैक्ट डॉट पी वाई, सेव, यस, ओके। अब हम लोग इसको रन करेंगे, रन, रन मॉड्यूल, एंटर ए नंबर, 5 दे दिया एंटर, देखिए 5 का फैक्टोरियल होता है 120। फिर से मैं यहां पर रन कर देता हूं, रन, रन मॉड्यूल, अगर मैं 0 डालूंगा 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, पर मैंने यहां पर n इक्वल टू 1 किया था इसलिए यहां पर इन लोगों ने एरर शो कर दिया, इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहां पर 0 कर देना पड़ेगा, 0 या फिर लेस देन 0, क्योंकि अब इसमें और भी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं माइनस में नंबर लूंगा तो एक काम करते हैं यहां पर हम लोग लेस देन इक्वल टू 0 कर देते हैं तो बाकी जितना भी सारा प्रॉब्लम है वो अब सॉल्व हो जाएगा, मतलब 0 से कोई छोटा नंबर भी देंगे तब भी उसका फैक्टोरियल 1 आंसर आएगा हम लोगों के पास। ठीक है, आप इसको सेव कर दिए, रन करने के बाद रन मॉड्यूल, पहले 0 देके देख लेता हूँ, 0 एंटर 1 क्योंकि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, फिर से रन कर लेता हूँ एक बार, अब यहाँ पर एक नेगेटिव नंबर दूंगा, नेगेटिव नंबर का भी फैक्टोरियल 1 आता है, माइनस 20 कर देता हूँ, माइनस 20 का फैक्टोरियल भी 1 आएगा, माइनस 20 का फैक्टोरियल भी 1 आ चुका है। अब यूजर यहाँ पर कोई भी नंबर देगा उसका फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, तो ये है मेरा रिकर्सन का एक छोटा सा प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग रिकर्शन। अगर किसी को भी कुछ डाउट्स है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जो भी डाउट्स होगा मैं उस कमेंट को देखकर उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैं पूरा जो आंसर है वो देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।